back once again to your online video classes, bachos. So today is 18th of May and we are back with a new chapter of standard 12 mathematics, that is your chapter number 2, that is inverse trigonometric function. ठीक है, तो ये वाला जो chapter है बच्चों, बहुत ही interesting सा chapter होने वाला है आप लोगों के लिए. ठीक है, क्योंकि ये पूरा रिलेट कर रहा है आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट को. आप लोग अगर 11th का ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, तो आई सजेस्ट कि पहले आप लोगों को 11th का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो था डोमेन ऑन रेज का ग्राफिकल जो मैंने बताया था आप लोगों को 11th क्लास में, उसको पहले आप लोग थोड़ा सा देख लो. लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गिवन है, नीचे में जाके लिंक को जाओ, उसको एक बार देखो. एक घंटे का वो क्लास था, एक घंटे क्लास को थोड़ा देखो. मैं सजेस्ट करूँ, अगर क्लियर है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर कुछ याद नहीं है और क्लियर नहीं है तो पहले मैं सजेस्ट करूँ उसको देखो, उसको समझ जाओ पहले ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को, फिर आप लोग आके इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में बहुत अच्छे से उसको क्लेवरली समझ पाओगे. ऐसे तो मैंने डिफाइन किया है क्या क्या रहता था ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में, क्या क्या रहता था, उसका डोमेन रेंज क्या होता था, मैंने यहाँ पे भी डिस्कस किया है क्लास में, अभी करेंगे क्लास में. ठीक है, बट हमको पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ज़्यादा बेहतर में हम समझ पाएंगे. ठीक है, और अभी तक बच्चों अगर आप लोग नए हो चैनल में, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो नीचे में एक आ रहा है सब्सक्राइब का बटन, उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब तक जितना जल्दी आप लोग करोगे मुझे और बोलना नहीं पड़ेगा, उतना जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा, और जितना जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा उतना जल्दी आप लोग क्लास को अटेंड करके, हर दिन का क्लास को अटेंड करके आप लोग बहुत ही अच्छे से कुछ नॉलेज गेन कर सकते हो. ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा देरी ना करके क्लास को स्टार्ट करते हैं. पूरा एंड तक क्लास का करेंगे, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, लाइक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, उसका हम कैसे सोल्यूशन निकालते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. तो लास्ट तक पूरा रहेंगे, क्लास को अटेंड करेंगे, ताकि लास्ट में पहुंचने तक जितना भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे पूरा अच्छे से उसको कवर हो जाना चाहिए. ठीक है बच्चों, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आते हैं हम बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 2 है ये. ठीक है ना, चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ योर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ऑफ योर स्टैंडर्ड 12 मैथमेटिक्स. तो इससे जाने से पहले बच्चों, पहले तो आप लोगों को ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, इसको पढ़ने से पहले, इसको जाने से पहले आप लोगों को बहुत क्लियर होना पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का जो रेंज होता है, डोमेन होता है, वो सब अगर आप लोग नहीं देख रहे हो तो बहुत ही कन्फ्यूजन लगेगा आप लोगों को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को सॉल्व करने में या फिर समझने में. तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप लोग अगर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का क्लियर नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने 11th क्लास का जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है उसका लिंक दे दिया है वीडियो का. पहले आप लोग इसको जाने से पहले, पहले वो वाला वीडियो को थोड़ा अच्छे से देख लो, नोट डाउन कर दो कि कौन सा रेंज होता है, कौन सा डोमेन होता है, बस क्विक रिवीजन के लिए एटलीस्ट आप लोग देख लो, फिर आके इसको करो तो बहुत ही आसानी से आप लोग समझ पाओगे कि एक्चुअली में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस होता क्या है. ठीक है बच्चों, तो एज द नेम ऑफ द चैप्टर इज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, तो यहाँ पे तीन टर्म को आप लोगों को ध्यान देना है. पहले तो आ गया इनवर्स, फिर आ गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन. तो उसके लिए पहले आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में जानना पड़ेगा, आपको फंक्शंस के बारे में जानना पड़ेगा, और आप लोगों को इनवर्स ऑफ ए फंक्शंस के बारे में जानना पड़ेगा. ये तीनों आप लोगों के लिए बेसिक सा कॉन्सेप्ट आ जा रहा है समझने के लिए. ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी समझना पड़ेगा, फंक्शंस जो रहता है, जो हम रिलेशन फंक्शन पढ़ के आए हैं अभी चैप्टर नंबर 1 में, उसका भी समझना पड़ेगा, और हाउ टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन वो वाला कॉन्सेप्ट भी. मतलब हाउ टू फाइंड तो नहीं चाहिए, बस कैसे निकलता है, मैंने यहाँ पे कुछ थोड़ा सा लिख दिया है कॉन्सेप्ट जिसको आपको नोट डाउन करना है. तो पहले हम फंक्शंस में आते हैं. एक्चुअली में फंक्शंस हम किसको डिफाइन करते हैं और वो फंक्शन किस तरीका का होता है, वो सब हम डिफाइन करते हैं, फिर हम ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस में आएंगे, फिर हम इनवर्स ऑफ द फंक्शन में समझा दे रहा हूँ, सबको समअप कर देंगे तो वो जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा बच्चों, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस हो जाएगा. तो बहुत ही पूरा लास्ट तक अटेंड करेंगे क्लास को, ताकि क्लियर कट आइडिया आप लोगों को आ जाएगा कि एक्चुअली में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होता क्या है और उसका कॉन्सेप्ट हम कहाँ पे और कौन सा क्वेश्चन में कैसे एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है, तो पूरा लास्ट तक क्लास को अटेंड करेंगे, और कुछ भी अगर डाउट्स होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाउट को पूछ सकते हो. ठीक है बच्चों, तो पहले आते हैं इनवर्स ऑफ द फंक्शन, पहले आ जाते हैं फंक्शंस के बारे में. एक्चुअली फंक्शंस होता क्या है, शॉर्टकट में मैं बता रहा हूं, फंक्शन का दो कॉन्सेप्ट था कि अगर मैं उसको ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करूं, तो जस्ट हम पढ़ के आए हैं फंक्शंस के बारे में रिलेशन फंक्शन चैप्टर नंबर 1 में. तो अगर यहां पे ए बी, यहां पे 1 2 है, यहां पे ए बी सी, यहां पे 1 2 3 है, तो ए इज कनेक्टेड टू 2, बी इज कनेक्टेड 1, तो उसका दो कंडीशन था बच्चों, याद होगा सबको, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट बी यूनिकली कनेक्टेड विथ सेकेंड सेट. फर्स्ट एलिमेंट का जो सारा दो कॉन्सेप्ट होता है, मैंने उसको एक में ही लिख दिया कि सारा जो एलिमेंट होता है
डोमेन सेट का या फिर फर्स्ट सेट का सब कोई यूनिकली कनेक्टेड होना चाहिए किसके साथ, और एवरी एलिमेंट शुड बी कनेक्टेड, ठीक है, एवरी एलिमेंट मस्ट बी कनेक्टेड और शुड बी कनेक्टेड. तो सारा एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए और सारा का एक यूनिक इमेज रहना चाहिए, जैसे हम बोल रहे थे इमेज. तो आप लोग जैसे चैप्टर वन पढ़ के आए हो तो मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँ, क्योंकि जस्ट हमने पढ़ के आए हैं फंक्शंस के बारे में, उसी के लिए हम इंडस्ट्रियल यूनिट फंक्शन में ज़्यादा उतना और डिस्कस नहीं करेंगे. रिलेशन फंक्शन को पूरा डेप्थ में अगर जाना है आप लोग लेक्चर वन लेक्चर टू देख सकते हो, चैप्टर नंबर वन का उसका लिंक भी मैंने दे दिया हूँ नीचे में, ठीक है. सब कुछ लिंक ऑलरेडी नीचे में है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके उसको कवर कर सकते हो. तो बस यहाँ पे बस ब्रीफ जानना है हमको कि फंक्शंस क्या होता है, उसी को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ. तो सारा कोई कनेक्टेड होना चाहिए ए सेट से और सबका यूनिक इमेज होना चाहिए. जैसे वन ए बी, यहाँ पे ए बी कनेक्ट है, बी बी कनेक्ट है और उनका यूनिक इमेज भी फॉर्म हो रहा है. दैट्स वाई द इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज ए फंक्शन. सो लेट दिस बी अ फंक्शन ऑफ एफ. बट क्या ये फंक्शन कहलाएगा, चेक करो, आप लोग चेक करो. ए बी सी, पहले तो सी इज नॉट कनेक्टेड तो उसके लिए कंडीशन वन ही सेटिस्फाई नहीं करा, और ए का दो प्री इमेजेस हो रहा है, दो का ए का दो इमेजेस फॉर्म हो रहा है, तो इसके केस में हमको ये इसको हम फंक्शन नहीं बोल सकते, ठीक है. तो ऐसे को ऐसे में आप लोगों को फंक्शन ऐसा डिफाइन करना है जिसका कि हमारा डोमेन का हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए और हर एक एलिमेंट का यूनिक क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज फॉर्म होना चाहिए. तो ये तो हो गया फंक्शंस का, फंक्शन का बात, ठीक है. फंक्शन फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन में बताऊंगा, उससे पहले पहले इनवर्स ऑफ द फंक्शंस में आ जाते हैं. इनवर्स ऑफ द फंक्शंस का मतलब बच्चों क्या है कि अगर एक फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी, इफ एक्स एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो अगर और एक फंक्शन भी डिफाइन हो रहा है फ्रॉम बी टू ए, उसका उल्टा एलिमेंट को वो रिटर्न कर रहा है. जैसे कि एक्स पुट करने से हमको वाई मिलता है, तो अगर मैं और एक फंक्शन डिफाइन कर दूं जिसमें कि वाई पुट करने से मुझे एक्स मिलेगा, तभी हम क्या बोलेंगे दैट जी, जो फंक्शन मुझे मिलेगा दैट विल बी द इनवर्स ऑफ द फर्स्ट फंक्शन दैट इज एफ, ठीक है. सो जी इज इक्वल टू फंक्शन इनवर्स ऑफ एफ. सो इन दैट केस वी कैन से दैट जो जी जो फंक्शन जो डिफाइन होगा फ्रॉम बी टू ए, अगर वो उल्टा वैल्यू रिटर्न कर रहा है, मतलब वन, अगर देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया है कि ए बी यहाँ पे दो सेट था, टू इज कनेक्टेड विद थ्री, फोर इज कनेक्टेड विद फाइव. तो टू जब हम पुट कर रहे थे, जब वी आर पुटिंग टू, जब हम टू पुट कर रहे हैं, वो मुझे थ्री रिटर्न कर रहा है. तो अगर ऐसा एक फंक्शन को डिफाइन कर दे जहाँ पे कि थ्री पुट करने से टू मिल जाएगा मुझे, तो इन दैट केस वी कैन से अगर वैसा मिल गया तो जो फंक्शन मिलेगा मुझे जी, दैट विल बी द इनवर्स ऑफ द पर्टिकुलर फंक्शन एफ. तो जैसे एफ ऑफ टू इक्वल टू थ्री दे रहा था, तो अगर मुझे और एक फंक्शन में डिफाइन कर दूं जी जो कि बी से ए को डिफाइन हो रहा था, बी से ए को डिफाइन हो रहा था, और अगर हम जी ऑफ थ्री पुट करेंगे तो मुझे टू देगा, वो थ्री पुट करने से टू देगा, उसका उल्टा देगा, तब इन दैट केस वी कैन से दैट जी दैट फंक्शन डिफाइंड, सेकंड फंक्शन डिफाइंड इज द इनवर्स ऑफ द फर्स्ट फंक्शन दैट इज जी इक्वल टू एफ इनवर्स और एफ इनवर्स इक्वल टू जी. तो इन दैट केस वी कैन से इनवर्स एग्जिस्ट करता है. ऐसे केस में आप लोगों का इनवर्स एग्जिस्ट करता था इनवर्स ऑफ द फंक्शन. तो पहले हमने बेसिक्स ऑफ फंक्शंस पढ़ा, फिर इनवर्स ऑफ द फंक्शंस पढ़ा, अभी कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या था. ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का बात अगर करेंगे तो हमारा जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस रहता है हमारा, जैसे कि आप लोग को पता है साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टैन एक्स हो गया, कॉट एक्स हो गया, सेक एक्स हो गया, कोसेक एक्स हो गया. सो दीज आर कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है. तो ये सारा का बारे में आज पढ़ने वाले हैं. तो ये सारा का इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो इनवर्स ऑफ दैट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दैट विल बी गिवन बाय साइन इनवर्स एक्स, दैट विल बी गिवन बाय कॉस इनवर्स एक्स, दैट विल बी गिवन बाय टैन इनवर्स एक्स, दैट विल बी गिवन बाय कॉट इनवर्स एक्स, दैट विल बी गिवन बाय सेक इनवर्स एक्स, एंड दैट विल बी गिवन बाय कोसेक इनवर्स एक्स. आई होप बच्चों ये वाला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आप लोग आ गया, ठीक है. तो अगर हम सम अप कर देंगे सब कुछ को, फंक्शंस को, इनवर्स ऑफ द फंक्शंस को और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को, देन टोटली जो हमारा स्टडी निकल के आ रहा है, दैट स्टडी और दैट टॉपिक इज सेट टू बी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जहाँ पे कि हम इनवर्स का बात भी करेंगे, हम फंक्शंस का बात भी करेंगे, हम इनवर्स ऑफ द फंक्शंस का बात करेंगे, हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स का बात भी करेंगे, ठीक है. सब कुछ हम मिला के करेंगे. दैट्स व्हाई ये जो चैप्टर आ जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जा रहा है शॉर्ट क्वेश्चंस के बेसिस में. अगर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस के बेसिस में जाना है तो ये वाला चैप्टर का जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन हम निकाल पाएंगे बाय यूजिंग दैट डोमेन रेंज कॉन्सेप्ट, बाय यूजिंग दैट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कॉन्सेप्ट, बाय यूजिंग दैट फंक्शन कॉन्सेप्ट. बहुत सारा क्वेश्चन निकल सकता है, हर एक को हम डिस्कस करेंगे. तो अगर इतना तक बच्चों समझ में आ गया, देन आई होप कि समझ में आ गया होगा सब कुछ, कॉन्सेप्ट फंक्शन क्या है, इनवर्स ऑफ द फंक्शन क्या है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है. अभी हम थोड़े जाते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस में, क्या क्या टाइप का फंक्शन रहते हैं और कब हम बोलेंगे कि एक इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो सब के बारे में पढ़ेंगे. बिफोर दैट पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा बच्चों नोट डाउन कर लो. ओके बच्चों, अभी आते हैं हम
थोड़ा इन्वर्टेबल फंक्शन में। हमने फंक्शन के बारे में जान लिया, हमने इन्वर्स ऑफ द फंक्शन के बारे में जान लिया। तो इन्वर्टेबल फंक्शन भी एक था फंक्शन में, याद करो फंक्शन का इन्वर्टेबल फंक्शन जब हम निकाल रहे थे, एक कॉन्सेप्ट था टू बी ए इन्वर्टेबल फंक्शन, टू बी एन इन्वर्टेबल फंक्शन कॉमन ए फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव। याद आ रहा है, एक इन्वर्टेबल फंक्शन होने के लिए, मतलब इन्वर्टेबल फंक्शन का फिर मतलब क्या है, जिसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। तो एक इन्वर्टेबल फंक्शन होने के लिए वो फंक्शन को क्या होना पड़ता था, बाइजेक्टिव फंक्शन होना पड़ता था, तभी जाके हम बोलते थे कि वो एक क्या हो सकता है, हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल्स भी दिया था, वही सेम एग्जाम्पल्स मैं दोहराना चाहता हूँ। अभी दो फंक्शन हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और चेक करते हैं कि किसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, किसका हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते। मतलब एक को हम ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शन ले रहे हैं और एक को बाइजेक्टिव फंक्शन ना लेके मैं दिखा रहा हूँ कि कौन सा में हो रहा है कौन सा में नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम ए फंक्शन ले लें, ये सपोज ए बी से मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ये सी डी से मैं डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक एफ एक फंक्शन है, यहाँ पे भी एफ एक फंक्शन है, यहाँ पे भी एफ एक फंक्शन ही है, फंक्शन हम लिए हैं। ठीक है, बट द कंडीशन इज यहाँ पे हम वन वन ले रहे हैं, वहाँ पे हम वन वन ले रहे हैं, मतलब बाइजेक्टिव ले रहे हैं, यहाँ पे हम बाइजेक्टिव नहीं ले रहे क्योंकि हमको दिखाना है उसको। ठीक है, देखो ये हमारा बाइजेक्टिव तो हो गया, देखो यहाँ पे ये वन वन भी हो गया हमारा। वन वन क्या कंडीशन क्या था, हर एक कोडोमेन से हम चेक करते थे, कोडोमेन का हर एक एलिमेंट का यूनिक प्री इमेज होना चाहिए। देखो वन का बी है, टू का ए है, थ्री का सी है, तो यूनिक प्री इमेज फॉर्म हो गया। वन का भी एक है, टू का भी, थ्री का भी, तो ये वन वन भी हो गया। ऑन टू के लिए सबको एक मतलब रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए, रेंज में जितना एलिमेंट है कोडोमेन में भी उतना एलिमेंट होना चाहिए। तो ये हमारा बाइजेक्टिव हो रहा है, ये हमारा एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। मुझे दिखाना है आपको कि बाइजेक्टिव में होता है इन्वर्टेबल नहीं होता, इसलिए मैं एक बाइजेक्टिव फंक्शन लिया हूँ। यहाँ पे मैं नॉट बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव नहीं है, बाइजेक्टिव के लिए हमको बच्चों वन वन ऑन टू दोनों प्रेजेंट होना चाहिए। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा ये वन वन तो हो रहा है, नहीं वन वन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि वन का देखो दो प्री इमेजेस आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट पता है ना, अभी आप लोग पढ़ के आए हो कि अगर कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट का दो प्री इमेजेस, मतलब मोर देन वन प्री इमेजेस हो रहा है, तो उसको हम वन वन नहीं बोलते। तो ना ही ये वन वन है, और थ्री इज नॉट कनेक्टेड, मतलब कोडोमेन और रेंज का जो सेट है वो सेम नहीं हो रहा, तो उसी केस में हम नहीं बोल सकते कि इट इज ए व्हाट बाइजेक्टिव फंक्शन। और वन वन भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो वन वन ऑन टू दोनों अगर नहीं होता है तो वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं कहलाता। ठीक है, तो हमने ए से बी को एक फंक्शन डिफाइन किया है जो कि हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है दिस वन, बट सी से डी जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है वो बाइजेक्टिव नहीं है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे दिखाना है आपको कि जहाँ पे बाइजेक्टिव फंक्शन होता है वहीं पे हम हमारा वो इन्वर्स को एग्जिस्ट करवा पाते हैं, और जहाँ पे वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं रहता वहाँ पे हम इन्वर्स को एग्जिस्ट नहीं करवा पाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बाइजेक्टिव लिया, यहाँ पे नॉट बाइजेक्टिव। अभी देखते हैं, अभी मैं क्या करूँगा ना, सेट्स को एक्सचेंज कर दूंगा बस, ये इसको बी ए कर देता हूँ, इसको डी और सी कर देता हूँ। ठीक है, सेट अगर एक्सचेंज करेंगे तो वैल्यू भी एलिमेंट्स भी एक्सचेंज हो जाएंगे। ये वन टू थ्री हो गया, ये ए बी सी हो गया, यहाँ पे बच्चों ये वन टू थ्री आ जा रहे हैं, ये ए बी सी आ जा रहा है। ठीक है, अभी देखो जैसा था उसको उल्टा करके करें, ए टू के साथ कनेक्टेड था, टू को ऐसा कर लेते हैं, वन बी के साथ कनेक्ट था, बी को वन के साथ कर लेते हैं, सी थ्री के साथ कनेक्ट था, सी थ्री के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन हो गया, यहाँ पे वैसे वन इज कनेक्टेड विथ ए कर लेते हैं, वन इज कनेक्टेड विथ बी कर लेते हैं, टू इज कनेक्टेड विथ सी कर लेते हैं। अभी बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट हो रहा है और वो जी फंक्शन कहलाएगा। क्यों, एक ऐसा फंक्शन है, हमने हमारा डेफिनेशन क्या था, अगर एफ एक ऐसा फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, और अगर हम और एक फंक्शन डिफाइन कर पा रहे जी जो कि बी से ए को जा रहा है, तो यहाँ पे एफ ऑफ ए, यहाँ पे देखो एफ ऑफ ए कितना होता था, टू होता था, एफ ऑफ बी कितना होता था, वन होता था, एफ ऑफ सी कितना होता था, थ्री हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या डिफाइन कर दिया, देखो जी ऑफ वन हमारा कितना हुआ, बी हो गया, जी ऑफ टू बच्चों हमारा कितना हो गया, ए हो गया, जी ऑफ थ्री हमारा क्या हो गया, सी हो गया ना। अभी चेक करो, खुद से आराम से चेक करो,
कि यहाँ पे f ऑफ a, a में हम 2 आ रहा था, f ऑफ 2 में कितना आ रहा है, a हो रहा है उसको उल्टा हो रहा है, f ऑफ b में 1 हो रहा था, f ऑफ 1 में कितना हो रहा है, b हो रहा है उसको उल्टा, f ऑफ c में 3 आ रहा था, अब यहाँ पे g ऑफ c में 3 आ रहा है, ठीक है, g ऑफ 3 में c आ रहा है। तो यहाँ पे f में फंक्शन हम जब डिफाइन कर रहे थे a से 2 तक, वहाँ पे देखो यहाँ पे 2 से a तक डिफाइन हो रहा है, यहाँ पे जैसे b से 1 तक हो रहा था, यहाँ पे वैसे 1 से b तक हो रहा है, यहाँ पे जैसे c से 3 तक हो रहा था, यहाँ पे वैसे 3 से c तक हो रहा है। तो हमने क्या किया ना, ऐसा एक फंक्शन हम डिफाइन किया था a से b तक, हमने और एक एग्जिस्ट फंक्शन कर रहा है g, जो कि b से a तक सेम एलिमेंट्स के साथ कनेक्शन रह रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, देन देयर एग्जिस्ट d g व्हिच इज ए फंक्शन फ्रॉम b टू a, सच दैट f इनवर्स इक्वल टू g और g इज इक्वल टू f इनवर्स, g जो है वो f का इनवर्स हो गया, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे बाइजेक्टिव फंक्शन लिया था, और जब हमने बाइजेक्टिव फंक्शन लिया उसमें हमने दिखा दिया कि उसका और एक इनवर्स निकल के आ रहा है, और एक फंक्शन निकल के आ रहा है जो कि उसका इनवर्स में कन्वर्ट हो रहा है। बट अगर हम सेकंड केस में आएंगे, यहाँ पे हमने पहले से एक नॉट बाइजेक्टिव वाला फंक्शन लिया था, मैंने दिखाने के लिए कि ये अगर हम नॉट बाइजेक्टिव वाला एक फंक्शन लेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो रहा है, ठीक है ना। एक नॉट बाइजेक्टिव वाला अगर फंक्शन हम ले रहे हैं उसका क्या हो रहा है, तो जब हमने नॉट बाइजेक्टिव लिया, फंक्शन था लेकिन बाइजेक्टिव नहीं था, वन से ए से वन, बी से वन, सी से टू। तो जब ए से पहले, पहला बात तो यहाँ पे सी से कोई कनेक्ट नहीं था, सॉरी सी से कनेक्ट था लेकिन सी से जो कनेक्शन था वो थ्री को कोई भी कनेक्ट नहीं हुआ था। तो थ्री को अगर कनेक्ट नहीं है तो वो हमारा ऑन टू नहीं कहला, और वन से अगर दो प्री इमेजेस फॉर्मर है तो वो वन वन नहीं हो रहा। तो दोनों कॉन्सेप्ट हमको पता था, हमको वन वन ऑन टू होने के लिए, तो वहाँ से दोनों ही वन वन ऑन टू नहीं होता तो नॉट बाइजेक्टिव था। बट जब हम उसको रिवर्स कर दिया, सी से डी हमने डिफाइन किया था, जब हमने डी से सी को डिफाइन कर रहे तो एलिमेंट को हमने चेंज कर दिया, वन टू थ्री को इधर ले आए, वो ए बी सी को उधर ले गए, ठीक है। अभी जब हम उसको बना रहे, मतलब फंक्शन चेक कर रहे, तो अगर हम जैसे जैसे लिए थे कनेक्शन उसे वैसे वैसे कनेक्शन अगर ले गए तो वन इज कनेक्टेड विद ए, वन इज कनेक्टेड विद बी हम करना पड़ेगा, और टू इज कनेक्टेड विद सी। तो जब हम इसको चेक कर रहे हैं हमको क्या मिल रहा है, नॉट ए फंक्शन मिल रहा है, मतलब ये फंक्शन ही नहीं हो रहा है। बच्चों चेक कर लो कैसे होगा, थ्री इज नॉट कनेक्टेड, यहाँ पे थ्री कनेक्टेड ही नहीं है, और थ्री अगर कनेक्ट नहीं है हमारा कंडीशन टू सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कंडीशन वन में भी सबका एक एक इमेजेस होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए, बट वन का दो इमेजेस हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर वन एंड कंडीशन नंबर टू ऑफ फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन एक्चुअली, वो फंक्शन ही नहीं हो रहा। और अगर बच्चों ये फंक्शन ही नहीं हो रहा तो हम बोल सकते हैं कि जब हम नॉट बाइजेक्टिव वाला एक फंक्शन ले रहे थे तो उसका इनवर्स वाला जो फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, जो g वाला फंक्शन, और एक फंक्शन जो एग्जिस्ट करता है उसका इनवर्स को देने के लिए, वो वाला एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा हम कंक्लूजन में भी हम आ सकते हैं कि एक इनवर्स निकालने के लिए, एक इनवर्स ऑफ ए फंक्शन निकालने के लिए, फर्स्ट जो फंक्शन का हम निकाल रहे हैं इनवर्स, दैट शुड बी ए बाइजेक्टिव फंक्शन। पहले तो बच्चों को क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। और बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या है, इट शुड सेटिस्फाई द वन वन एंड ऑन टू कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से दिखा दिया आपको कि एक हमने बाइजेक्टिव फंक्शन लिया था, जब हमने लिया तब उसका इन्वर्स निकला, बट जब एक बाइजेक्टिव फंक्शन हमने नहीं लिया था तो उसका हमने इन्वर्स नहीं जस्टिफाई करवा पाए, ठीक है। ये तो हो गया बच्चों नॉर्मल फंक्शन का बात, जहाँ पे कि इन्वर्टिबल कैसे होता है, बहुत ध्यान से ब्रेन में इस बात को आप लोग रखना कि एक फंक्शन इन्वर्स निकालने के लिए, एक फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए उसका क्या होना जरूरी है, बाइजेक्टिव फंक्शन होना जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो वो जो इनवर्स ऑफ द फंक्शन अभी आप लोगों का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या रोल अप्लाई कर रहा है, क्या रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना, उसको हमको अभी चेक करना पड़ेगा। अभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या कैसे है कि हम रूल अप्लाई करते हैं उसको देखना पड़ेगा। तो पहला जो फंक्शन निकल के आ रहा है, सपोज मैं y इक्वल टू साइन एक्स करके आप लोगों को दिखा रहा हूं, हमने अच्छा वाला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ले लिया y इक्वल टू साइन एक्स, इसका चेक करते हैं कि इसका हम इनवर्स डिफाइन कर पाएंगे कि नहीं फॉर ऑल वैल्यू r के लिए, ठीक है। तो चेक करते हैं कि उसका निकाल पाएंगे कि नहीं। तो उसके लिए पहले मुझे एक उसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ कर देंगे तो क्या होगा ना, इजीली हम डिफाइन कर सकते हैं। रेडियन में मैं ले रहा हूँ पाई बाई टू इंटरवल में, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू, माइनस टू पाई एंड सो ऑन। इधर में लेंगे तो पाई बाई टू, फिर पाई, फिर थ्री पाई बाई टू, फिर टू पाई एंड सो ऑन, ठीक है। तो साइन जीरो का जो वैल्यू होता है कितना, जीरो। अच्छा यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने जस्टिफाई कर दिया, साइन पाई बाई टू,
वन साइन पाई फिर से जीरो साइन थ्री पाई टू माइनस वन साइन टू पाई जीरो वैसे साइन टू माइनस वन साइन माइनस फाइव जीरो फिर इसका वैल्यू बच्चा कितना वन फिर इसका वैल्यू माइनस टू पाई जीरो एंड सो ऑन। तो अभी इसका एक अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो डॉट 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 इधर में चलेगा ठीक है। तो देखो बच्चों अभी ध्यान से आप लोग अगर चेक करोगे तो ये हो गया आप लोगों का साइन एक्स का ग्राफ, इसको हम साइनोसोडियल ग्राफ भी बोलते हैं क्योंकि ये वेव ग्राफ बनता है ठीक है, और हर एक इंटरवल में कुछ एक इंटरवल में फिर से वो चेंज होता है, जैसे कि जीरो से टू पाई फिर से टू पाई, हर टू पाई के इंटरवल में वो रिपीट कर रहा है ठीक है ना, इसको हम पीरियोडिक फंक्शन में इसलिए बोलते हैं ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन भी बोलते हैं या फिर वेव फंक्शन या फिर वेव ग्राफ भी बोला जाता है इसको। तो इसका जो ग्राफ रहता है ऐसे वेव की तरह रहता है। तो ध्यान से आप लोग अगर देखोगे इसको तो इसका जो y इक्वल टू साइन एक्स हमने लिया, अभी हम चेक करते हैं कि ये जो फंक्शन है ये वन वन और ऑन टू वाला कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है ठीक है ना बच्चों। तो हम चेक करके देखते हैं कि वो वन वन ऑन टू को चेक हो रहा है कि नहीं, और हमने जो ये फंक्शन लिया है बच्चों रियल नंबर से रियल नंबर को डिफाइन किया ठीक है, r से r को डिफाइन किया। तो चेक करते हैं हमारा क्या क्या वैल्यू रहता है और वो वन वन और ऑन टू होगा कि नहीं। क्लियरली बच्चों वन वन होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए ना, हर एक प्री इमेज हर एक कोडोमेन का एलिमेंट्स का प्री इमेज एक यूनिक प्री इमेज होना चाहिए। लेकिन अगर बच्चों देखो हमारा y इक्वल टू हमने साइन एक्स लिया ठीक है, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये हमारा फंक्शन हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, फंक्शन हमारा साइन एक्स में हो गया। अभी अगर मैं आप लोगों को पूछूं एफ ऑफ जीरो कितना होता है तो ऑब्वियसली जीरो होगा, मतलब अगर हम साइन एक्स के हमें जीरो पुट करेंगे तो उसका वैल्यू कितना हो रहा है जीरो हो रहा है फंक्शन का वैल्यू, क्योंकि साइन जीरो इक्वल टू जीरो। अगर मैं आप लोगों को पूछूं साइन पाई बच्चों कितना है, साइन पाई कितना है तो साइन पाई का वैल्यू भी जीरो आ रहा है ठीक है ना, क्योंकि हमको पता है कि साइन एन पाई वेयर एन इज ए इंटीजर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। साइन एन पाई का वैल्यू जहां जहां पे एन में आप लोग इंटीजर पुट करोगे वहां वहां पे साइन का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों जीरो आ जाएगा, मतलब पाई मल्टीपल ऑफ पाई अगर हम कहीं पे भी ले रहे तो साइन का वो पर्टिकुलर वैल्यू हमेशा जीरो होता है। तो आप लोग साइन जीरो लो साइन पाई लो या फिर साइन टू पाई लो, हर एक जगह में बच्चों उसका वैल्यू कितना निकल के आ रहा है देखो जीरो निकल के आ रहा है। तो उसको अगर मैं यहां पे बच्चों रिप्रेजेंट करूं, यहां पे जीरो मैंने लिखा यहां पे पाई लिखा यहां पे टू पाई, मैंने तीन ही वैल्यू लिया है और भी बहुत सारा वैल्यू ले सकते हैं, तो वो सबको ही जाके किसको कनेक्ट हो रहा है बच्चों देखो चेक करो, साइन जीरो भी जाके जीरो को कनेक्ट होगा, पाई भी जाके जीरो को कनेक्ट होगा, टू पाई भी जाके किसको कनेक्ट होगा जीरो को कनेक्ट होगा। हमने यहाँ पे एफ डिफाइन किया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ठीक है, हमने साइन एक्स वाला फंक्शन लिया और हमने जब साइन एक्स वाला फंक्शन लेके देखा तो उसका ऐसे मैंने अभी देख देख के ही तीन वैल्यू लिख दिया जिसका वैल्यू जीरो हो रहा है, और वैसा कितना वैल्यू निकलेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज विल बी देयर, मतलब जितना मल्टीपल करते जाएंगे मल्टीपल से पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई नेगेटिव में वैसे माइनस पाई माइनस टू पाई माइनस थ्री पाई सब में उसका वैल्यू कितना होता जाएगा जीरो होता जाएगा। तो देखो बच्चों यहां पे यह था हमारा एक्स, ये था रामा एफ ऑफ एक्स ठीक है। तो कोडोमेन का ये जो जीरो वैल्यू है उसका कितना प्री इमेजेस हो रहा है, मोर देन वन प्री इमेजेस हो रहा है बच्चों, वो जो जीरो पॉइंट है उसका मोर देन वन प्री इमेजेस हो रहा है। तो क्या ये बच्चों वन वन होगा, ऑब्वियसली नो, सो दैट इज नॉट वन वन फंक्शन बच्चों। पहले हमने चेक कर लिया, हमको चेक करना था ना कि उसका इन्वर्स निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो इन्वर्स निकालने के लिए मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखा कि उसको बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, और बाइजेक्टिव फंक्शन होने के लिए उसको क्या होना चाहिए वन वन एंड ऑन टू होना चाहिए। बट जब हम वन वन चेक किए तो हमको क्या दिखा कि एफ ऑफ जीरो भी जीरो हो रहा है, एफ ऑफ पाई भी जीरो हो रहा है, एफ ऑफ टू पाई भी जीरो हो रहा है, ऐसा बहुत सारा वैल्यू निकलेगा जिसका वैल्यू जीरो निकलेगा। और अगर वो जीरो निकलेगा तो मतलब हम कोडोमेन के वजह से देखेंगे तो कोडोमेन एक कोडोमेन का मोर देन वन प्री इमेजेस, मतलब बहुत सारा प्री इमेजेस फॉर्म हो रहा है डोमेन में, और अगर एक एलिमेंट का मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा प्री इमेजेस फॉर्म होता है डोमेन में जो कि हमने रिलेशन फंक्शन में पढ़ा था तो उसको हम वन वन फंक्शन नहीं बोलते, हर एक का एक ही प्री इमेजेस बनना चाहिए तभी जाके वो वन वन फंक्शन होता था, यूनिक प्री इमेज फॉर्म करना चाहिए। बट यहां पे क्या हमने देखा एक से ज्यादा प्री इमेजेस फॉर्म कर रहा है, तो इन दैट केस वी कैन नॉट से दैट इट इज ए वन वन फंक्शन, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए वन वन, मतलब नॉट बाइजेक्टिव, वो तो काम कहानी खत्म हो गया। बट फिर भी चेक कर लेते ऑन टू के लिए और क्या ये ऑन टू होता है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो जब हम ऑन टू में बच्चों चेक किए तो यहां पे कुछ भी वैल्यू ले लो ठीक है,
हमारा जो साइन एक्स का वैल्यू होता है वो मैक्सिमम वैल्यू उसका कितना होता है, वन, मिनिमम वैल्यू कितना होता है, माइनस वन. सो वन से लेके माइनस वन तक ही वो वैल्यू देता है, मतलब उसी के साथ कनेक्ट होता है. ये सब जो फंक्शन का वैल्यू मैक्स टू मैक्स वन तक जाता है, मीन टू मीन माइनस वन तक, ना माइनस वन से कम होता है ना वन से ज्यादा होता है, ठीक है ना. तो मैंने क्या बोला था, जब हम वहां पे भी कर रहे थे, वन टू चेक कर रहे थे, समझो कि रेंज को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू ले लो और चेक करो कि उसका प्री इमेजेस फॉर्म हो रहा है कि नहीं. तो बच्चों मैंने क्या किया, टू ले लिया, एक टू एलिमेंट ले लिया या फिर एक थ्री एलिमेंट ले लिया. तो मुझे बताओ क्या एफ ऑफ टू, एफ ऑफ थ्री, एफ कोई भी वैल्यू जाके टू या थ्री से कनेक्ट होंगे क्या? या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, फॉर टू एंड थ्री बिलोंग्स टू को डोमेन, इज देयर एनी प्री इमेज इन डोमेन? टू और थ्री अगर हम को डोमेन से लेंगे तो क्या उसका प्री इमेज फॉर्म हो रहा है डोमेन में? मतलब ऐसा कोई भी वैल्यू है क्या जो कि जाके टू या थ्री को कनेक्ट होंगे? सो द आंसर विल बी नो, बिकॉज उसका मैक्सिमम वैल्यू वन है, तो टू थ्री का चांस ही नहीं है साइन में, ठीक है. तो ऑब्वियसली टू और थ्री, अगर मैं मोर देन वन कुछ भी वैल्यू ले लेता हूँ, टू थ्री फोर लाइक दैट, और माइनस वन से नीचे कुछ भी, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर लाइक दैट, तो वो पॉसिबल ही नहीं कि वो लोग का कोई भी प्री इमेज फॉर्म होगा डोमेन में. तो फॉर दैट केस वी कैन से इट इज नॉट ऑन टू. तो हमारा तो नॉट वन वन हो गया था, मतलब वो नॉट बाइजेक्ट, मतलब बाइजेक्टिव नहीं होगा, बट फिर भी मैंने चेक कर दिया समझने के लिए. ऑन टू कर रहे तो वन वन भी कर लेते हैं, मैंने बोला वन 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 कर रहे तो ऑन टू भी कर लेते हैं, मैंने बोला. तो बच्चों क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन हुआ? तो ऑब्वियसली नो, इट इज नॉट ए बाइजेक्टिव फंक्शन. देयरफोर वी कैन नॉट फाइंड द इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू साइन एक्स. सीधी से बात है बच्चों कि अगर हम ऐसे प्रोसेस में जाएंगे और पूरा डोमेन को पूरा लेके चलेंगे, मतलब पूरा डोमेन को लेके चलेंगे, पूरा डोमेन को लेके, ठीक है ना, तो तभी तब उसका वैल्यू, मतलब अगर डोमेन हम आर को लेके चलेंगे ना, तब उसका वैल्यू को हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते, या फिर उसका इन्वर्स हम डिफाइन ही नहीं कर सकते. क्योंकि अगर हर एक वैल्यू को लेते चले, ऑब्वियसली साइन एन पाई हमेशा जीरो होता चलेगा, और जब तक वो जीरो होता चलेगा उसका हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते. फॉर दैट रीजन बच्चों वी आर स्टडिंग दैट चैप्टर, दैट इज इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन. तो यहाँ पे ऐसे क्या स्पेशल किया जाता है ताकि हम वहाँ पे इन्वर्स उसका निकालते हैं? आपने तो सब दिखा दिया कि यहाँ पे आप साइन एक्स का वैसे इन्वर्स नहीं निकाल पाओगे, कॉस का भी वैसे करेंगे तो कॉस का भी इन्वर्स नहीं निकलेगा, टैन कॉट सेक कोस सेक कोस किसी का भी इन्वर्स नहीं निकलेगा अगर हम पूरा डोमेन को लेकर चलेंगे, मतलब पूरा अगर आर को लेकर चलेंगे तो कहीं पर भी नहीं निकलेगा. तो क्या ऐसा हम करेंगे ताकि हम निकल सकते हैं? तो वही हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि हम क्या करेंगे. हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा अभी अगर समझ लो, हम क्या करेंगे ना, एक रेस्ट्रिक्टेड डोमेन ले जाएंगे. क्या ले जाएंगे बच्चों? अभी से पढ़ाई स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का, ध्यान से समझो. अभी तक हम बस कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि एक्चुअली में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कहां पे हम वन वन करते हैं, कहां पे हम वन टू करते हैं, बट अभी तक हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में नहीं आए थे. अभी हम क्या करेंगे बच्चों, एक रेस्ट्रिक्टेड डोमेन ले जाएंगे और वहां पे चेक करेंगे कि वो पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में इन्वर्स इसका निकाल पा रही कि नहीं. और वही पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड डोमेन को हम यूनिवर्सली लेते हैं, ठीक है, उसको डिफाइन किया गया है उसी तरह कि वो पर्टिकुलर डोमेन को अगर हम लेंगे उसी में हम जाके उसका इन्वर्स को चेक कर सकते हैं. और वहां पे वो वन वन भी होगा, वहां पे वो ऑन टू में होगा, वो बाइजेक्टिव भी होगा, और जब बाइजेक्टिव हो जाएगा उसका हम इन्वर्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना. तो वो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों. सो आई होप कि इतना तक बहुत ही अच्छे से क्लियरली आप लोग समझ गए होंगे वो इन्वर्टेबल फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट एंड इसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, कैसे हम उसका नहीं निकाल पाते पूरा अगर हम लेंगे तो. अभी हम देखेंगे कि रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में कैसे हम उसका वैल्यू को निकालते हैं. तब तक के लिए बच्चों पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा नोट डाउन कर लो, ठीक है. ओके बच्चों अभी आते हैं. देखो मैंने यहाँ पे साइन एक्स का तो बनाया था, उसको मैंने और मिटाया नहीं, और ये राइट साइड में हमने कॉस एक्स का बना दिया, ठीक है ना. तो हमने हम पहले ये दोनों का चेक कर लेते हैं, फिर बाकी का मैं डिफाइन कर दूंगा कि कैसे हम उसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन लेंगे और उसका रेंज कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है बच्चों. तो बहुत ही ध्यान से देखो, पहले साइन एक्स में आते हैं. तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हमने जब चेक किया इससे पहले, उसमें क्या हुआ ना, अगर हम हर एक वैल्यू को ले रहे तो उसमें वो वन वन और वन टू केस सेटिस्फाई नहीं कर रहा. तो ऐसा क्या वैल्यू लेंगे, ऐसा क्या डोमेन, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन ले जाएंगे जिसमें कि हमारा जो हमारा वैल्यू है उसको वो डिफाइन कर पाएगा. देखो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन को मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से देखो, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू
माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और यहाँ पर मैं क्या रख रहा हूँ, जीरो से पाई। ध्यान से देखोगे रेस्ट्रिक्टेड डोमेन को मैंने क्या रख दिया, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ठीक है बच्चों, और उसका जो क्या हो गया कॉस थीटा का, कॉस एक्स का हमने कितना रख दिया, जीरो टू पाई तक रख दिया, रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्ट कर दिया उसको डोमेन को, मतलब एक एक पर्टिकुलर हिस्सा को हम ले रहे हैं और उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो माइनस पाई बाई टू बच्चों कहाँ पे है, देखो दिस इज योर माइनस पाई बाई टू एंड दिस इज योर पाई बाई टू, इसके अंदर, इसके अंदर बच्चों चेक करो, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है, तो ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ से कहाँ तक हम ले रहे हैं, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक ले रहे हैं, और यहाँ पे हम कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, जीरो से पाई, ये था बच्चों आप लोग का जीरो, ये था आप लोग का पाई, ठीक है, ये इंटरवल में रह रहा है, उसको अगर मैं मार्क कर दूँ तो जो रेड वाला हिस्सा देख रहा है बच्चों, उतना वाला पार्ट हमारा रेस्ट्रिक्टेड एरिया हो गया, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हो गया, जिसमें कि हम लोगों को उसका फंक्शन को डिफाइन करना है। अभी बच्चों देखो हमारा जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हो गया वो यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक हो गया। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक आप लोग चेक करो क्या वो वन वन फंक्शन होगा। अभी बात है कि सर आपने तो ले लिया, तो क्या ये वन वन फंक्शन हो रहा है, आप लोग चेक करो वन वन फंक्शन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। आप लोग अगर चेक करोगे वन वन फंक्शन, तो हर एक वैल्यू के लिए उसका डिफरेंट डोमेन हो रहा है बच्चों। अगर हम चेक करेंगे पाई बाई टू से पाई, माइनस पाई बाई टू से डॉट 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 पाई बाई टू तक, तो सबका क्या वैल्यू निकल रहा है बच्चों, डिफरेंट वैल्यू निकल रहा है, किसी का भी सेम वैल्यू नहीं है। आप लोग खुद से चेक करो, आप लोग देख पाओगे यहां से इसका 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 वैल्यू कहीं पे भी उसका, और यहाँ पे साइन जीरो में ही जीरो होगा, ये साइन जीरो है, साइन जीरो में ही जीरो होगा, और कहीं पे जीरो नहीं होगा, और साइन माइनस पाई बाई टू में वो माइनस वन होगा, साइन पाई में वन होगा, तो माइनस वन से इंक्रीज होगी वन तक ही, मतलब मिनिमम वैल्यू माइनस वन, मैक्सिमम वैल्यू वन तक ही जाएगा, बीच में जीरो आएगा, तो कोई भी उसका डिफरेंट वैल्यू, मतलब सेम वैल्यू नहीं होगा, सबका वो क्या वैल्यू देगा बच्चों, डिफरेंट वैल्यू देगा। ये हमारा एक्स है, ये हमारा क्या है, साइन एक्स है, ठीक है। तो जब हमने रेस्ट्रिक्टेड डोमेन को कर दिया ऐसे पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो हमने क्या देखा, हर एक का डिफरेंट वैल्यू हो रहा है, और हर एक का अगर डिफरेंट वैल्यू निकला, मतलब हर एक कोडोमेन का एक डिफरेंट प्री इमेज फॉर्म होगा, हर एक कोडोमेन का एक डिफरेंट प्री इमेज फॉर्म हो रहा है, और अगर हर एक कोडोमेन का डिफरेंट प्री इमेज फॉर्म होगा, इन दैट केस दैट टाइप ऑफ फंक्शन आर सेट टू बी वन वन फंक्शन बच्चों। इज दैट क्लियर, वेरी सिंपल, ठीक है। अभी ऑन टू का बात करते हैं, क्या सर ये ऑन टू भी होगा, हाँ बेटा ये ऑन टू भी होगा, कैसे, अगर हम माइनस पाई बाई टू से डॉट डॉट देके, मतलब पाई बाई टू जितना भी वैल्यू ले रहे हैं, ऑब्वियसली उसका कोई अलग अलग वैल्यू ही निकलेगा, माइनस पाई बाई टू का जैसे माइनस वन हो रहा है, फिर यहाँ पे कहीं पे जीरो है, जीरो का जैसे जीरो हो रहा है, पाई बाई टू का जैसे वन हो रहा है, और उसके बीच में जो जो वैल्यू होगा उसी के बीच में कुछ कुछ एक वैल्यू निकलेगा जो कि माइनस वन और वन के अंदर ही लाई करेगा। तो अगर हम चेक करेंगे तो जितना भी वैल्यू होगा सबको ही कनेक्टेड होगा इसमें, ठीक है ना। और अगर हमारा रेंज, हमारा जो रेंज और कोर डोमेन अगर हमारा सेम हो जाता है, तो उस टाइप का फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट इन कोर डोमेन के लिए उसका एक यूनिक प्री इमेज फॉर्म, हर एक के लिए यूनिक प्री इमेज फॉर्म हो रहा है डोमेन में उसका, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन जहां पे कि हम माइनस पाई टू पाई टू ले रहे, तो वहां पे वन वन भी हो गया बच्चों और ऑन टू भी होगा। अगर दोनों सारा हो गया तो इट इज Now become L, which type of function बच्चों, bijective function, is that clear? तो अभी देखो जब हमने restricted domain में वो function को define किया, जब हमने पहले हमें कुछ restriction नहीं दिया था, पूरा total में ले लिए थे, R में ले लिए थे, तो उसमें क्या हो रहा था ना, वो हमारा one one और on two का function को satisfy नहीं कर रहा था, but जब हम उसने उसको restrict कर दिया, जब हमने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया तभी क्या होगा ना, उसमें वो वन वन भी हो रहा है एंड ऑन टू भी हो रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पे आप लोग बोल सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स के लिए, अभी देखो मैं कुछ लिख रहा हूं, जब हमारा साइन एक्स था हमारा फंक्शन, ठीक है, जब हमारा फंक्शन क्या था बच्चों, साइन एक्स था, वो साइन एक्स के लिए था, ठीक है ना। तो हम माइनस पाई बाय टू से हमारा डोमेन को कितना में रेस्ट्रिक्ट किया है, माइनस पाई बाय टू से पाई में रेस्ट्रिक्ट किया है, पाई बाय टू में रेस्ट्रिक्ट किया है, और वो हमको रेंज क्या दे रहा है बच्चों, माइनस वन से वन। चेक कर लो साइन एक्स, जब हमने माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक रेस्ट्रिक्ट रखा, तो साइन एक्स का जो उसका जो रेंज हो गया, रेंज का मतलब जो आउटपुट मुझे देगा, सो दैट इज योर डोमेन बच्चों, डोमेन एंड दैट इज योर रेंज, ठीक है।
तो ये हो गया आप लोग का डोमेन, ये हो गया आप लोग का रेंज। तो हमने जब रेस्ट्रिक्ट कर दिया साइन एक्स को माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के अंदर में, तो उसका रेंज कितना से कितना में रेस्ट्रिक्ट हो गया, माइनस वन से लेके वन तक वो रेस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, मतलब माइनस वन से लेके वन तक वो वैल्यू मुझे देगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू माइनस वन है, मैक्सिमम वैल्यू वन एंड मिनिमम वैल्यू माइनस वन देगा। तो अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आपने माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ही क्यों लिया, और तो ऐसे बहुत सारे हुए भी जिसको कि ले सकते हैं हम माइनस थ्री पाई बाई टू से। हम अगर यहाँ से चेक करें कि माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू ले सकते हैं, इसमें भी रिपीट नहीं कर रहा। हम बोलें कि सर यहाँ पे पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू तो भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी रिपीट नहीं कर रहा। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि थ्री पाई बाई टू से सर फाइव पाई बाई टू लेंगे, वहाँ पे भी तो रिपीट नहीं कर रहा। तो आपने बस माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ही क्यों लिया, ये क्वेश्चन ऑब्वियसली अराइज होगा। बट ये बच्चों क्या है ना, ये हमने यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया है। कुछ कुछ होते हैं फंक्शन जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं और हमको उसको मान के चलना पड़ता है। ठीक है, तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है हमारा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू का। इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल डोमेन भी बोलते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल डोमेन का मतलब क्या है ना, ये हर साइन एक्स फंक्शन के लिए हमको माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू को ही डिफाइन करना है। ठीक है, बाकी में भी हो सकता है, इसमें भी हम ले सकते हैं, बट इसमें भी हम ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी वन वन और वन टू बाइजेक्टिव हो रहा है, उसमें भी हम इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं, बट हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा यूनिवर्सली हम माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू को लेते आ रहे हैं और हमको डिफाइन किया गया है ऐसे बुक में और थ्योरी में कि हमको वही लेना है, तो ऑब्वियसली हमको वही उसी को मान के चलना पड़ेगा। लेकिन ये बात याद रखना, इसमें भी हम लेके कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमारा हमको माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू को ही याद करके रखना है। ठीक है, वो हमारा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वाला क्या है, हमारा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है। वैसे ही कॉस थीटा का बच्चों अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, हमने किसमें डिफाइन किया, जीरो से पाई तक डिफाइन किया। ठीक है ना, अगर हम माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ले रहे हैं तो यहाँ पे दो वैल्यू रिपीट कर रहा है, तो हमने क्या किया ना, जीरो से पाई तक उसको डिफाइन कर दिया। तो अभी वही सेम कॉन्सेप्ट, तो क्या सर ये जीरो से पाई बाई टू तक वन वन और वन टू हो रहा है, ऑब्वियसली होगा, तभी ना हमने उसको किया है। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे साइन x, कॉस x, यहाँ पे फंक्शन है हमारा कॉस x, तो जीरो से लेके पाई तक बच्चों हम कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे वो हमको क्या देगा, हमेशा बच्चों डिफरेंट वैल्यू देगा। चेक कर लो, ग्राफ को चेक कर लो, हर जगह में वो डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। ठीक है ना, तो वो हमेशा हमको डिफरेंट वैल्यू देगा, और हर कोडोमेन का अगर यूनिक प्री इमेज हमको मिल गया तो उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन बोलते हैं। और वैसे ही अगर हम जीरो से यहाँ पे अंदर में कहीं पे पाई बाई टू आएगा, फिर डॉट 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 पाई जाएंगे, तो साइन कॉस जीरो जो होगा बच्चों, कॉस जीरो हमको कितना देता है, वन, कॉस पाई टू हमको जीरो देता है, इसका माइनस वन। तो ये तो मैंने बस दिखा दिया, बाकी बहुत सारे वैल्यू है अंदर में जो कि कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पे भी हमारा रेंज आर इक्वल टू सी हो जाएगा, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, तो ये भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑन टू। तो हर एक वैल्यू के लिए उसका क्या आ जाएगा, प्री इमेज फॉर्म हो जाएगा। सो ऑब्वियसली इट विल ऑल्सो बी ए क्विच फंक्शन बच्चों, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हमने यहाँ पे हमारा कॉस एक्स को कैसे डिफाइन कर दिया, फिर कॉस एक्स को हमने डिफाइन कर दिया क्या, जीरो से पाई, डोमेन हो गया उसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, और उसका रेंज बच्चों कितना हो गया, माइनस वन से वन तक उसका रेंज हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन कर दिया, जहां पे कि इस ये हो गया आप लोगों का क्या डोमेन, ये हो गया आप लोगों का क्या रेंज, ये हो गया डोमेन, ये हो गया रेंज। वैसे ही बाकी टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स को भी आप लोग डिफाइन कर सकते हो बाय यूजिंग दैट ग्राफ कॉन्सेप्ट। आप लोग बहुत ही अच्छे से रेस्ट्रिक्टेड डोमेन भी उसका डिफाइन कर सकते हो। ठीक है ना, तो दो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन को ही हमको याद रखना है, वन इज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, एंड अदर वन इज जीरो से पाई। ठीक है, वे दोनों के रिलेट करके बाकी छह टो मतलब बाकी जो चार्टो है उसको भी हम डिफाइन कर देंगे। आई होप कि इतना तक सबको समझ में आ गया होगा कि अगर हम टोटल ले रहे थे तब हमारा वो वन 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 टू नहीं हो रहा था, बाइजेक्टिव नहीं हो रहा था, इसलिए हम उसका इन्वर्स नहीं निकाल पा रहे थे। बट यहाँ पे क्या हुआ ना, हमने जब रेस्ट्रिक्टेड कर दिया उसका डोमेन को, तो वहाँ पे क्या है ना, वो वन वन भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, यहाँ पे भी वो वन वन भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि अगर वन वन ऑन टू हो रहा है तो उसका इन्वर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इतना तक अगर सबका हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए नोट डाउन करके रखो सब कॉन्सेप्ट को। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प करेगा आप लोग को रिविजन के टाइम में, दैट्स वाई सब कॉन्सेप्ट को आप लोग थोड़ा ध्यान से नोट डाउन करके रखो, और अभी हम जितना भी लिखना है उसको थोड़ा पॉज करके लिख लो, नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। ओके बच्चों, देखो अभी हमने यहाँ पे छह ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस लिख दिया, जिसका कि ये हो गया पहला वाला जो हमने लिखा है। सो दीज आर द रेस्ट्रिक्टेड डोमेन्स, ओके, दीज आर द रेस्ट्रिक्टेड डोमेन्स, ध्यान से देखो।
ये सब रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हमने ले लिया, ठीक है, और उसका रेंज, ये हो गया आप लोग का रेस्ट्रिक्टेड डोमेन्स, आर डी मैंने लिख दिया ऊपर में, ठीक है, पहला जो वैल्यू है वो आर डी है, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन्स है हमारा, दीज आर द रेस्ट्रिक्टेड डोमेन्स, ओके, एंड सेकेंड वाला जो है हमको क्या दे रहा है, उसका रेंज दे रहा है, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन्स में कितना रेंज फॉर्म हो रहा है वो हमको दे रहा है वो, ठीक है, मतलब वो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में अगर हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो उसका रेंज वैल्यू क्या होगा वो हमने ऊपर में जस्टिफाई करवा दिया, ठीक है ना। अभी हम आते हैं, ये तो हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफाइन किया बच्चों, अगर हम अभी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आएंगे तो y इक्वल टू जब हम साइन इनवर्स x लाएंगे, ठीक है, तो ये जो रेंज है इसका, हमने जब रेस्ट्रिक्टेड डोमेन लिया ये इन्वर्टेबल हो गया, इन्वर्टेबल में क्या होता है, अगर f फ्रॉम a टू b होता है तो उसका जो इनवर्स g होता है वो b से a तक आता है, तो अगर ये a से b जा रहा है तो b से a आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका डोमेन कितना हो जाएगा फिर, माइनस वन से वन हो जाएगा उसका डोमेन, और माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हो जाएगा उसका बच्चों क्या रेंज, सिंपल। हमने पहले ट्रिगोनोमेट्रिक का डिफाइन किया, मैं अभी इनवर्स का डिफाइन कर रहा हूँ, तो इनवर्स का क्या होगा, उसका जो रेंज था वो उसका डोमेन हो जाएगा, और उसका जो डोमेन था रेस्ट्रिक्टेड डोमेन था ये इसका रेंज हो जाएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स का डिफाइन करते हैं, सिंपल हमने डिफाइन किया है इसका, जीरो से पाई से माइनस वन से वन था, उसका डोमेन हो जाएगा अभी माइनस वन से वन, और वो कहां तक जाएगा बच्चों, जीरो से पाई तक जाएगा, डन बच्चों, सिंपल कॉन्सेप्ट। कॉट का आते हैं, टेन का आते हैं, जब हम y इक्वल टू टेन इनवर्स x ले जाएंगे तब क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा बच्चों कितना r, और रेंज कितना हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कितना, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे क्लोज इंटरवल लिया था, यहाँ पे ओपन इंटरवल लिया है, क्योंकि ना क्यों लिया है, क्योंकि पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू में टेन का वैल्यू डिफाइन नहीं होता, ठीक है ना बच्चों, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू में टेन का वैल्यू डिफाइन नहीं होता, तो वो वैल्यू को छोड़ के बाकी अंदर वाला वैल्यू को लिए हैं, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और वो रेंज देता था आर, अभी चेंज हो जाएगा, क्रिस क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन तो नहीं बोले, क्रॉस कर देंगे बस, ये हो जाएगा उसका रेंज, ये हो जाएगा उसका डोमेन, ठीक है। कॉट इनवर्स का वैसे आओ, तो कॉट थीटा का अगर उतना हुआ तो कॉट इनवर्स एक्स का बच्चों कितना होगा, चेंज कर दो इतना क्या, आर का आर आ जाएगा डोमेन, और जीरो से पाई था उसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, वो हो जाएगा उसका रेस्ट्रिक्टेड रेंज, ठीक है, उसको हम रेस्ट्रिक्टेड रेंज तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, पहले लिख लेते हैं सब कुछ। सेक इनवर्स एक्स का भी देख लेते हैं, सेक इनवर्स एक्स तो इसका था कितना, आर माइनस आर से हम, वो जब हम वैल्यू पुट करते थे ना वो मुझे कितना देता था, आर से माइनस वन से वन को माइनस कर दो कि जितना वैल्यू रहता था, माइनस वन से वन को छोड़ के बाकी माइनस इन्फिनिटी टू वन और वन से इन्फिनिटी तक देता था, ठीक है, उसका डोमेन रेंज होता था, तो वो हो जाएगा अभी डोमेन, और ये चला आएगा उसका रेंज, जीरो से पाए माइनस पाई बाई टू। अभी ये वाला क्यों ऐसे डिफाइन किया है, जीरो से पाए तो हमने कॉस का भी लिया था, यहाँ पे पाई बाई टू को क्यों डिफाइन किया गया है, सोचो थोड़ा, कॉस थीटा इक्वल टू वन बाई सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इक्वल टू वन बाई कॉस थीटा होता है, तो वन बाई कॉस थीटा में जब जीरो से पाए आ रहा है, ठीक है ना, तो जीरो से पाए के अंदर एक पाई बाई टू आ रहा है जिसमें कि कॉस थीटा कॉस पाई बाई टू जीरो हो जाता है, तो सेक थीटा में वो वन बाई जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा, दैट्स वाई वो जो चुन के हमने वो जो पाई बाई टू वैल्यू को वहां से हटा दिया है, ठीक है ना, ये पाई बाई टू को इसीलिए वहां से हटाया गया कि क्योंकि वो पाई बाई टू में कॉस जीरो होता है और सेक थीटा में वन बाई जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा, वो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता है, तो चुन के वो वाला वैल्यू को हमने हटा दिया, बाकी जितना रहा वो हो गया उसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, और वो अभी हो गया उसका रेस्ट्रिक्टेड रेंज या फिर रेंज हो गया, ठीक है ना। ओके, कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स लास्ट वाला आते हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स जब बच्चों लेंगे इसका, वैसे आर माइनस कितना देता है वो, माइनस वन से वन तक देता था वो वैल्यू, अभी वो आ जाएगा उसका डोमेन, इसमें क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तो लेंगे हम, बट वहां से एक जीरो को माइनस कर देंगे, इसको क्यों यहां से हटाया गया, चेक करो, कॉसेक इनवर्स, कॉसेक थीटा जो होता है वन बाई साइन थीटा होता है, और वन बाई साइन थीटा, साइन जीरो में वो जीरो होता है, तो वन बाई जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा, कॉसेक अनडिफाइंड हो जाता है, दैट्स वाई उसमें हमने इसको चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो दीज आर द, हमने पहले रेड में जो लिखा गया है बच्चों वो था हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक वाला, जो उसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन और उसका रेंज रेंज हमने निकाला था, बट जब हम साइन इनवर्स का निकाल देंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक में मैंने उसको प्रूव करके दिखा दिया कि उसमें आप लोगों का क्या होता है, वन वन ऑन टू हो रहा है, मतलब वो इन्वर्टेबल हो जा रहा है, मतलब हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, तो इन्वर्स का कॉन्सेप्ट क्या था ना, अगर हम एप्स f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b है, तो इफ g इज डिफाइंड बाय b टू a, b से a हो रहा है तभी वो इन्वर्टेबल होता है, तो ऑब्वियसली ये a b ये डोमेन को डोमेन हो गया, डोमेन और रेंज होता था,
तो साइन इनवर्स x जब हम उल्टा लिख देंगे, उसका उल्टा वाला फंक्शन निकाल देंगे, तो इट्स रेंज विल बिकम इट्स डोमेन एंड इट्स डोमेन विल बिकम इट्स रेंज. सो दिस इज द रेस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड दैट रेस्ट्रिक्टेड डोमेन विल बी चेंज टू इट्स रेस्ट्रिक्टेड रेंज. और रेस्ट्रिक्टेड रेंज तो नहीं लिखते, उसको हम क्या बोलते हैं, ये जो रेस्ट्रिक्टेड रेंज तो नहीं बोलेंगे उसको, बट उसके जगह में हम और एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज दैट क्लियर बच्चों. वो जो रेस्ट्रिक्टेड रेंज हम नहीं लिखते उसको, वो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन जो चेंज हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड रेंज तो नहीं लिखेंगे उसको, हम क्या बोलेंगे, इसको नहीं लिखना, ठीक है ना, ये लिखते नहीं हम, लिखते क्या उसके जगह में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखते हैं, ठीक है. वो जो होता है ये रेंज, ये जो सबका रेंज हुआ ना, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कह के याद रखते हैं. इज दैट क्लियर टू एवरी वन बच्चों, सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो अभी सर याद कैसे रखेंगे, इतना सारा याद करने के लिए कुछ ट्रिक तो होना चाहिए, बाकी बिना ट्रिक का तो इतना सारा याद रखना पॉसिबल नहीं लग रहा है. ऑब्वियस सी बात है, ये सब कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए आप लोगों को रट्टा मारोगे तो याद नहीं रहेगा, ठीक है. तो आप लोगों को थोड़ा सा क्लेवरली एक ट्रिक याद रखना है. अगर आप लोग वो ट्रिक को याद रख रहे हो, देन आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे से उसको डिफाइन कर पाओगे और बहुत ही अच्छे से आप लोग उसको मतलब याद रख पाओगे, ठीक है ना. तो क्या ट्रिक है, तो उसको जाने से पहले जितना भी बच्चों लिखना है इसको थोड़ा अच्छे से नोट डाउन कर दो. देखो हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, सब कॉन्सेप्ट, ठीक है. क्या है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, उसका डोमेन रेंज क्या होता था, हमने जब पूरा में लिया तब उसमें क्यों नहीं निकला, वन वन ऑन टू नहीं हुआ, जब हमने रेस्ट्रिक्टेड किया तभी क्यों निकला, सब कुछ जानना जरूरी है, ठीक है. मैंने इसीलिए बिट बाय बिट आप लोगों को डिस्कस कर दिया, अभी हमारा काम है. मैंने तो पूरा डिस्कस कर लिया, हमने साइन इनवर्स का डोमेन हम भी मिल गया, हमको उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या फिर रेंज जो होता है रेस्ट्रिक्टेड रेंज वो भी मिल गया. अभी हमको बस याद रखना है कि छेठो रेशियो का हमने याद कैसे रखेंगे उसको, ठीक है. याद कैसे रखेंगे उसका ट्रिक भी मैं बताऊंगा अभी. बिफोर दैट पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा नोट डाउन कर लो. ओके बच्चों आ जाते हैं अभी, ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे टेबल अच्छे से बहुत ही सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आप लोगों के लिए बना दिया है, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया है. देखो डिफरेंशिएट क्या है, मतलब देखो कैसे याद रख सकते हो आप लोग, क्विकली याद रख सकते हो. इसलिए मैं जो ट्रायो आप लोग बोल सकते हो, ठीक है ना, ट्रायो होते हैं ना, ट्रायो मतलब तीन तीन करके लिखते हैं, ट्रायो का मतलब होता है तीन तीन करके जो लेते हैं, ठीक है ना. तो हमको ट्रायो को याद रखना है, कैसे ट्रायो को याद रखना है, ट्रिक है ये. तो ट्रिक है मतलब थोड़ा सा मतलब खुद का टर्म डालना पड़ता है ट्रिक को याद रखने के लिए. तो मैंने ट्रायो करके याद रखेंगे, तीन को हमको याद रखना पड़ेगा. पहला तीन कौन है, साइन कॉसेक टैन. और ऐसा नहीं कि ये अभी के लिए बस मतलब याद आप लोगों को रखना है, क्योंकि अभी आप लोगों का जो प्रॉपर्टीज भी आने वाला है आगे में, तो यही तीन का अलग कॉन्सेप्ट होगा, ये तीन का अलग कॉन्सेप्ट होगा. ऊपर वाला जो तीन है साइन कॉसेक टैन, इनका अलग एक प्रॉपर्टीज होता है हमेशा, और कॉस सेक कॉट, इन तीनों का अलग प्रॉपर्टी होता है. इसलिए ट्रायो को अगर आप लोग अभी से याद रख लोगे, बाकी जब प्रॉपर्टीज में हम जाएंगे बहुत क्विकली आप लोग उसको रिमेंबर या फिर मतलब बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है ना. ओके तो क्या होगा, ये फंक्शन आ गया आप लोगों का ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ये आ गया आप लोगों का डोमेन, ठीक है. ये डोमेन मतलब ये उसका डोमेन, वो जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होता तो वो ओनली ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के लिए होता, तो वो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन ये चेंज हो गया, ये वाला सब रेंज हो गया, उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं. मैं पी वैल्यू लिखा हूं, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब समझना, ठीक है. तो जब हमने डिफाइन किया था इससे प्रीवियस वाला टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था समझाया था वही वाला को मैंने बस शॉर्टकट में लिख दिया यहाँ पे, और मैंने डिफाइन कर दिया कि साइन कॉसेक टैन को ऊपर में रख दिया. क्यों, देखो अभी देखो क्या क्या सेम आ रहा है. अगर हम साइन कॉसेक और टैन का प्रिंसिपल वैल्यू को देखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू को देखेंगे तो हर एक में कितना रह रहा है बच्चों, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू रह रहा है. चेक कर लो, यहाँ पे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, यहाँ पे भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, यहाँ पे भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू. ये प्रिंसिपल वैल्यू अभी बहुत यूजफुल होने वाला है जब हम उसका वैल्यू निकालेंगे, वो जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं समझाऊंगा कि कैसे हम उसका वैल्यू निकालते हैं प्रिंसिपल वैल्यू को यूज करके. इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू को समझना और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आप लोगों को. अगर साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू कहीं पे पूछा हुआ आप लोगों को याद नहीं हो रहा कि वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता था या फिर जीरो से पाई होता था, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा. तो याद रखने के लिए साइन कॉसेक एंड टैन का माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू याद रखना है आप लोगों का, कॉस सेक और कॉट का जीरो से पाई तक रखना है, ठीक है. बस डिफरेंस क्या, देखो
साइन का तो नॉर्मल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हो गया, कॉसेक का जब हम डिफाइन करते थे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तो होगा, बस जीरो को हम वहां से ओमिट करना पड़ेगा। क्यों? मैंने समझाया था कि कॉसेक थीटा इक्वल टू वन बाई साइन थीटा होता है, और साइन थीटा साइन जीरो में जीरो होता है, और साइन जीरो में अगर वो जीरो होता है तो कॉसेक जीरो कितना हो जाएगा, फिर वहां पर अनडिफाइंड हो जाएगा। इन दैट केस ओनली जीरो को हमको ओमिट करना पड़ता है, बाकी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ही रह गया। टेन एक्स का वैसे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू रहेगा, क्योंकि टेन थीटा कैसे याद रखोगे सर, टेन कैसे रखेंगे, कॉट भी तो रख सकते हैं, टेन को कैसे याद रख सकते हो, टेन इक्वल टू साइन डे कॉस होता है, ऊपर में साइन आता है तो साइन कॉसेक अगर आया तो टेन भी आ रहा है, ठीक है, ऐसा करके याद रख सकते हो। और उसका भी हो रहा है माइनस पाई टू से पाई टू, बस यहाँ पे ओपन इंटरवल लिखा है क्योंकि साइन माइनस पाई टू टेन माइनस पाई टू और टेन पाई टू का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है ना। टेन पाई बाई टू टेन माइनस पाई टू और टेन पाई बाई टू का वैल्यू क्या हो जाता है बच्चों, अनडिफाइंड होता है। दैट्स व्हाई माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू को हमने डिफाइन नहीं किया है, उसको छोड़ के बाकी जितना भी वैल्यू रखा गया है उसमें हमने क्या किया है, उसको उसका रेंज हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। साइन का माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, कॉसेक का माइनस पाई टू से पाई टू, बस जीरो को ओमिट करना है क्योंकि साइन जीरो जीरो होता था, और यहाँ पे माइनस पाई टू से पाई टू, बस माइनस पाई टू पहला वैल्यू और पाई बाई टू लास्ट वैल्यू को छोड़ के बाकी उसके अंदर का, क्योंकि माइनस पाई बाई टू में माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू में टेन का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता है, दैट्स व्हाई, ठीक है। डोमेन तो इसका माइनस वन से वन रहेगा, इसका आर से माइनस वन, ये तो आप लोग को याद रखना है, और तो डोमेन का भी काम भी नहीं है यहाँ पे, अभी के लिए हम लोगों को बस रेंज के साथ काम है, तो इसको याद रखना जरूरी है, इसको बस आप लोग याद रख देना, ठीक है। अभी कॉस सेक और कॉट में आओ, कॉस सेक और कॉट को कैसे याद रखोगे, कॉस तो कॉस है, कॉस का इसी प्रकार सेक है, तो कॉस अगर आ गया तो सेक आ गया, कॉट कैसे याद रखेंगे, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस बाई साइन थीटा, कॉस आ रहा है तो ऐसे करके याद रख सकते हो, कॉस सेक और कॉट, कॉस सेक और कॉट में जीरो से पाई कॉमन आएगा, जीरो से पाई जीरो से पाई जीरो से पाई, बस डिफरेंस क्या है, कॉस में तो पूरा जीरो से पाई रहेगा, सेक में जब निकालेंगे सेक इनवर्स में तो जीरो से पाई रहेगा, बस पाई बाई टू को माइनस करना है। क्यों माइनस करना है पता है आप लोगों को, सेक इक्वल टू वन बाई कॉस, कॉस पाई बाई टू इज जीरो, तो वन बाई जीरो अनडिफाइंड, तो सेक वहां पे अनडिफाइंड हो जाएगा, दैट्स व्हाई वो पाई बाई टू, जैसे यहाँ पे जीरो को ओमिट किया गया था यहाँ पे पाई बाई टू को थोड़ा सा निकाल देंगे उसको घर से, ठीक है। बाकी रहा बच्चों कॉट का जीरो से पाई, बस बट जीरो और पाई में वो नहीं होगा क्योंकि जीरो और पाई में कॉट का वैल्यू अनडिफाइंड होता है, बस सिंपल। तो प्रिंसिपल लूलू ब्रांच याद तो रह गया, ऐसे करके तो याद रख सकते हो, बस ट्रिक टू रिमेंबर द प्रिंसिपल लूलू, ट्रिक क्या याद रख सकते हो, क्वाड्रेंट वन टू थ्री फोर आप लोगों को याद है, ट्रिक कैसे याद रखोगे आप लोग, देखो ये हमारा कितना हो गया पाई बाई टू, अगर ऐसे में जाएंगे तो पाई बाई टू, तो अगर मैं नेगेटिव एंगल में आऊंगा तो ये हो जाएगा कितना बच्चों माइनस पाई बाई टू, और ये हो गया पाई बाई टू, तो अगर मैं आप लोगों को डिफाइन करूं ये नेगेटिव में आएंगे तो ये माइनस पाई बाई टू, हाँ तो अगर मैं डिफाइन करूं यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक आप लोगों को तीन फंक्शन को याद रखना है, कौन सा, एक आएगा साइन इनवर्स एक्स, एक आएगा उसका उल्टा दैट इज रेसिप्रोकल कॉसेक इनवर्स, और साइन कहां से स्टार्ट होता है टैन इनवर्स से, तो ये तीनों जो वैल्यू है बच्चों इसमें इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होगा, ध्यान रखना। तो साइन के लिए माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू होगा, कॉसेक के लिए बस यहाँ से एक जीरो माइनस करना पड़ेगा, ये तो आप लोगों को समझना है कि वो क्यों होता है, और टेन के लिए हमारा उसमें बस ओपन इंटरवल हो जाएगा, लेकिन हमारा इंटरवल तो सेम रह रहा है ना माइनस पाई बाई टू पे, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक के लिए हमको साइन इनवर्स एक्स है, कॉसेक इनवर्स है, टेन इनवर्स एक्स को याद रखना है, ठीक है। और जीरो से पाई के लिए यहाँ से लेके जीरो से पाई के लिए हमको किसको याद रखना है, यहाँ पे आपने माइनस पाई टू पाई टू याद रखना है, यहाँ पे आप लोग किसको याद रखना है, जीरो से पाई तक का याद रखना है। इसमें कौन कौन रहेगा फिर, यहाँ पे ट्रायो कौन है, इनका ट्रायो कौन था, एक था कॉस इनवर्स एक्स, एक था बच्चों कितना सेक इनवर्स एक्स, एक था कितना कॉट इनवर्स एक्स, ये तीनों ट्रायो को आप लोग को याद रखना है, ठीक है। इसमें आप लोगों का जीरो से पाई आएगा, कॉस का तो पूरा जीरो से पाई, सेक का बस वहां से हमको पाई बाई टू को माइनस करना है, और कॉट का जीरो से पाई ही रहेगा, बस उसका सामने वाला जीरो और पाई को ओमिट कर देंगे तो उसको अपन इंटरवल लगा देंगे। तो ऐसे करके याद रख सकते हो कि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक को ये ट्रायल को याद रखना है, जीरो से पाई तक को कॉस इनवर्स सेक और कॉट को याद रखना है, ठीक है। बस बच्चों सिंपल, दैट्स ऑल, ठीक है। ऐसे करके आप लोग बहुत ही अच्छे से रिमेंबर करके याद रख सकते हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, जिसमें कि हमने प्रिंसिपल वैल्यू को ब्रांच को बस डिफाइन किया कि कितना निकलता है, और निकालना और डिफाइन करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में मैं चाहता तो मैं आप लोगों को बस बता देता कि इसको याद रख लेना, रट्टा मार लेना, बट उसको याद रखने के तो मुझे 5 मिनट लगता है, लेकिन अभी हम जो 40 मिनट का क्लास की है उसमें मैंने पूरे डिटेल में आप लोगों को समझाया कि एक्चुअली में क्या निकलता है, ताकि आप लोग हेल्प करेगा, कभी भी आप लोग अगर भूल जा रहे हो तो आप लोग ऐसे करके ट्रिक अप्लाई करके आप लोग उसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को कैसे यूज करके उसका कैसे वैल्यू निकालते वो वाला नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जितना भी इसको बच्चों नोट डाउन करना है ऐसे उसको नोट डाउन करके हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।
ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो आई होप कि जितना भी आज कॉन्सेप्ट पढ़ाई हुआ बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि जितना भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। ऐसे बोलना होता तो मैं 5 मिनट में बस बोल देता कि आप लोग ऐसे रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू को आप लोग याद रख लो, लेकिन वैसा करना होता तो आप लोग को कन्फ्यूजन लगता है कि ऐसे कैसे याद रखेंगे, कैसे ट्रिक को याद रखेंगे। तो इसीलिए मैंने पहले समझाया कि बेसिक्स क्या होता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ऑन टू वन वन फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव क्यों होना चाहिए, फिर बाइजेक्टिव ट्रिगोनोमेट्री में क्या काम करता है। पहले हम आर को लिए जहाँ पे वो बाइजेक्टिव नहीं हुआ, फिर हमने उसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन लिया वहां पे हुआ, और अगर रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में हो रहा है उसको फिर उसका इनवर्स के लिए क्या होगा, उसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, सब कुछ हमने आज वाला क्लास में डिस्कस किया। तो आई होप कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप लोग गेन कर लिए होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लो कॉपी में, और इसके बाद वाला जो क्लास रहेगा उसमें हम क्या करेंगे ना, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को कहां कहां पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, और उसका वैल्यू को हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहां पे हमको क्या हेल्प करेगा वो वैल्यू को निकालने के लिए, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, ऑल ऑफ यू स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।